हेलो चैंपियंस, आप सबका हार्दिक स्वागत है प्रिय सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के ऊपर। माई सेल्फ प्रियेश पटेल। बेटा, आपका जो सब्जेक्ट्स है इलेक्ट्रिकल में मैथ्स, जिसका नाम है अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सब्जेक्ट कोड है 3130908, इसके IMP एंड मोस्ट IMP आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, अगर एक भी व्हाट्सएप ग्रुप सेमिस्टर थ्री का आपने नहीं ज्वाइन किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि पेपर सॉल्यूशन और इम्पॉर्टेंट आपको वहां से मिलते रहे और सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में अगर आपको ये सब्जेक्ट हमारे साथ पढ़ना है वीडियो कोर्स के थ्रू, तो कैसे पढ़ सकते हो उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो के बीच में एक बार बता दूंगा। तो वन बाय वन हम चैप्टर वाइज IMP देख रहे हैं। इसमें बेटा मैंने हर एक चैप्टर के आपके हर एक टॉपिक लिखे हैं, लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने येलो कलर से लिखे। तो येलो कलर, अगर आपके पास बहुत कम टाइम है तो येलो कलर वाले टॉपिक ओनली देख लोगे तो भी आप इस सब्जेक्ट का सुपड़ा साफ कम समय में भी कर सकते हो। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है बेटा, उसमें आपको कैलकुलेटर अच्छे से आना चाहिए। अगर कैलकुलेटर में आपकी स्पीड नहीं है तो आपका पेपर खत्म नहीं होगा, ये चीज कन्फर्म है। सबसे पहले जो पहला चैप्टर है बेटा, उसके अंदर चार मोस्ट IMP मेथड है, एक पेपर में आने वाली या फिर दो पेपर में आती है। बाइसेक्शन करनी ही करनी है, फॉल्स पोजीशन करनी ही करनी है, सिकांड करनी ही करनी है, न्यूटन राफ्सन करनी ही करनी है, जिसमें मेरे अकॉर्डिंगली 100% न्यूटन राफ्सन आती ही आती है। इन तीन में से कोई एक आती है, क्लियर। तो ये न्यूटन राफ्सन को तो छोड़ के ही नहीं जाना है, बाकी तीन में से कोई एक आने के चांसेस है। दो मेथड आती है, बहुत ईजी है, बहुत मजा आएगा, ये कर ही देना है। उसके बाद चैप्टर नंबर टू इंटरपोलेशन, फॉरवर्ड बैकवर्ड, गॉस फॉरवर्ड गॉस बैकवर्ड, सेंट्रल, न्यूटन्स फॉरवर्ड बैकवर्ड, न्यूटन्स डिवाइडेड और लैग्रांज। अब इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो सेंट्रल है ना, सेंट्रल वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो करनी ही करनी है। न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड करनी ही करनी है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला करना ही करना है, और लैग्रांज करना ही करना है। यहां से दो सवाल पेपर में आते ही आते हैं, तो इसको भी छोड़ना नहीं है, बहुत ईजी है। इसमें अगर आपको फाइनल नहीं ढूंढना आता तो टेबल बना के आओगे, तो टेबल तो हर एक मेथड में सेम ही बनाने का तरीका है, तो उतने तो बेटा आपको मार्क मिल ही जाएंगे, तो टेबल तो बना के आना ही आना है। उसके बाद बेटा चैप्टर थ्री न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। अब इसका एक सवाल पेपर में आता है, ट्रेपेजोइडल रूल हो या फिर सिम्पसन्स 1/3 या फिर 3/8 हो, एक पेपर में सवाल आता ही आता है। न्यूटन क्वार्ट्स फॉर्मूला कभी कभी आता है, गॉसियन क्वाड्रेचर भी पेपर में आता ही आता है, क्लियर। तो इस चैप्टर को भी छोड़ के जाना नहीं है, ट्रेपेजोइडल, सिम्पसन 1/3, 3/8 या फिर गॉसियन क्वाड्रेचर पेपर में आने के चांसेस मैक्सिमम है, तो छोड़ के जाना नहीं है। अब बेटा आगे बढ़ू, उससे पहले अगर आपको ये सब्जेक्ट हमारे साथ पढ़ना है तो हमारी जो एप्लीकेशन है प्रियेसर विद्यापीठ, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर दोनों में अवेलेबल है, उसको डाउनलोड कर लो। उसके स्टोर सेक्शन में जाना है, स्टोर सेक्शन में बेटा आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दिखेगा, साथ में आपकी ब्रांच का ETC सब्जेक्ट भी अवेलेबल है, आप देखोगे तो वहां पे उसमें भी डेमो लेक्चर आपको मिल जाएंगे। अब कोर्स का थोड़ा ओवरव्यू मैं आपको दे दूं बेटा, तो कोर्स में आप देखोगे तो आपको कितने वीडियो मिलेंगे, हम यहाँ पे देख रहे 89 वीडियो है और 65 है, जिसमें क्लास में पढ़ाए सम, उसमें होमवर्क दिया है, होमवर्क के PDF फाइल है, साथ में होमवर्क के वीडियो सॉल्यूशंस भी है, और जितने जितने सम लिए उसमें से हमने बहुत सारे सम GTU के प्रीवियस ईयर के पेपर्स के लिए है। तो इतना आप कर लोगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, और जो मैं आपको IMP दिखा रहा हूँ वो सब इसमें अंदर IMP तो है, लेकिन पूरा कोर्स अवेलेबल है, 100% कोर्स मिलेगा। और अभी एग्जाम की वजह से इसकी प्राइस हमने ओनली 350 रुपीज कर दी, तो 350 रुपीज मतलब आपकी बुक की प्राइस से भी कम प्राइस में आपको ये कोर्स मिलेगा। तो डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल है, हमारे प्रीवियस ईयर के रिजल्ट्स भी है। कोर्स के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें वहां पे भी पूछ सकते हो। अब बढ़ते हैं बेटा आगे, तो चैप्टर फोर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें टेलर IMP, ऑयलर IMP, रंगे गुप्ता IMP। रंगे गुप्ता पेपर में 100% होगी ही होगी, मोस्ट IMP होगी ही होगी, और ऑयलर भी पेपर में 99% चांसेस है होने के, क्लियर। तो रंगे गुप्ता तो पेपर में होगी ही होगी। उसके बाद बेटा चैप्टर फाइव है न्यूमेरिकल मेथड कर्व फिटिंग। अब कर्व फिटिंग में बेटा एक्चुअल में पांच मेथड्स है, स्ट्रेट लाइन, फिर पैराबोला, पॉलीनोमियल में तीन, और एक्सपोनेंशियल में तीन, टोटल सात मेथड है। एक्सपोनेंशियल में से एक मेथड आने के चांसेस है, पॉलीनोमियल और ये जो स्ट्रेट लाइन है चार में से उसमें से एक आने के चांसेस है। तो ये चैप्टर सबसे ईजी इस कोर्स का चैप्टर है, इसको छोड़ के जाना नहीं है, ये चैप्टर बेटा आपको पूरा कर देना। इसलिए देखो मैंने येलो कलर टाइटल में ही लिख लिया है, तो ये बेटा आपको पूरा करके जाना है। उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 6 से प्रोबेबिलिटी का फंडा शुरू होता है। तो जिनको खाली पास होना है या फिर 40 मार्क लाने हैं वो लोग चैप्टर नंबर 6 को पढ़ेंगे ही नहीं, एक टॉपिक करके जाएंगे, वो है बायस रूल, ओनली वन टॉपिक, पेपर में आएगा ही आएगा, बस एक टॉपिक कर लो। हाँ, बाकी सब कुछ आएगा, लेकिन आपकी लिमिट भी होनी चाहिए ना याद रखने की, तो वो यहाँ पे समाप्त हो चुकी है।
तो इसमें से बेटा बायस रियल आप कर ले, और जिनकी अभी भी लिमिट है वो डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी कर ले, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कर ले, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कर ले और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कर ले। हाँ आप ये कर सकते हैं, इजी टॉपिक है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इजी, कंटिन्यूअस में वापस इंटीग्रेशन आएगा। तो बायस और डिस्क्रीट जिनकी कैपेसिटी खत्म हो गई है वो दो करें, बाकी के ये येलो कलर वाले कर ले। अब इसके बाद का जो चैप्टर है बेटा सात, ये थोड़ा इजी है। इसमें से बेटा एक टॉपिक मैं आपको बताऊंगा कोरिलेशन, ये करके ही जाना है, पेपर में आएगा ही आएगा सात मार्क में, तो इसको मत छोड़े। उसके बाद कोरिलेशन कोएफिशिएंट मत छोड़े, रिग्रेशन मत छोड़े, कोरिलेशन की जगह पे आप रिग्रेशन मोस्ट टाइम भी कर ले क्योंकि अभी तो डिग्रेशन बहुत ज्यादा आता है। इसको करो एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स, मोस्ट टाइम पे टॉपिक क्लियर। ये भी आई एम पी है, ये सारे इजी इजी है, चैबेस मत करना, मोमेंट भी आई एम पी है और इजी है। तो ये चैप्टर बेटा कल, ये चैप्टर बहुत इजी है और आपका हो जाएगा, जिसमें से रिग्रेशन आने के 100% चांसेस है। अब मैं आपको थोड़ा फ्लो दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आपको चैप्टर करने हैं। तो सबसे पहले शुरुआत आप यहां से करोगे बेटा, ये आपका पहला चैप्टर होना चाहिए, बहुत इजी। उसके बाद आप सीधे पहले पहुंच जाओगे, दूसरे नंबर पे आप इसको करोगे, तीसरे नंबर पे आप इंटरपोलेशन को करोगे, चौथे नंबर पे आप इसको करोगे, क्लियर, पांचवें नंबर पे आप इसको करोगे, ये आपके हो गए टोटल। फिर छठे नंबर पे आप इसको नहीं करोगे, इसको करोगे, और सातवें नंबर पे आप इसको करोगे। तो ये बेटा मैंने आपको फ्लो बताया, आईएमपी भी बताया, मोस्ट आईएमपी भी बताया। तो पास होने के लिए बेटा आपको इतना तो जरूर करना। ये पीडीएफ भी आपको हमारी एप्लीकेशन से वैसे ही डाउनलोड फ्री मटेरियल सेक्शन से मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ जाएगी। तो बेटा इतना करके जाओगे तो काम हो जाएगा, और बहुत इजी तरीके से काम होना है तो बुक की जरूरत नहीं है, कोर्स में आ जाओ, बहुत मस्त समझाया है। बुक में जो मेथड समझाई है उससे भी फाड़ू मेथड में हमने कोर्स में समझाया है, आपके सीधे दिमाग में उतरेगा और दिल में जाके बैठ जाएगा और कुछ करने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। तो वीडियो सभी फ्रेंड्स में शेयर करना, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम सेम नाम प्रिय सर विद्यापीठ से हमारा अकाउंट है, इंस्टेंट अपडेट वहां पर भी आती रहती है, आईएमपी वहां पर भी आता रहता है, वहां पर भी हमें फॉलो कर लेना। मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ, बाय, टेक केयर।